हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनम पांडे ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ बनाने, सॉरी बन गया है। तो आज मैं खाने में क्या क्या बनाई हूँ आप लोग को दिखाती हूँ। भाई आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो प्यारे प्यारे। तो अभी हो रहा है दोपहर का समय और पांडे जी नहा चुके हैं। तो आज संडे है और मैंने आज कुछ खास बनाया है। क्या बनाया है आप लोग को दिखाना तो बनता है यार। देखो मेरा मोबाइल है तो मैं परोसती हूँ इनके लिए खाना और उसके बाद आप लोगों को थाली सजा के दिखाती हूँ मैं खाने में क्या क्या बनाई हूँ। भाई मजा आ जाएगा, मुंह में पानी आएगा कि यार सोनम क्या बनाई है। तो अभी चलती हूँ, निकालती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ फटाफट से। तो आप लोग देखिए कि मैं यार बनाई क्या हूँ, इतना ज्यादा खुश क्यों है ये सोनम पांडे। भाई खुश तो होना बनता ही है क्योंकि मेरी आदत है मैं खुश से ही, मतलब चाहे चाहे गम रहे चाहे खुशी रहे लेकिन खुश रहना चाहिए इंसान को। आज मैं बनानी हूँ कुछ खास तो दिखाऊंगी। भाई छुट्टी है ना, आप लोग बताना दाल में आम कौन कौन खाता है। मैं मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये है मेरी कटहल की सब्जी। कटहल की सब्जी किस किस को पसंद है? वो भी गरम मसाले वाली सब्जी बनाई। किस 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 को खाना वो खाएगा। एकदम यम्मी दौर बनाई हूँ, बहुत टेस्टी है। तो ये दाल में आम डाली थी, तो दाल में आम जो डाली थी वो निकाल रही हूँ, नहीं दाल और खट्टी हो जाएगी। तो क्योंकि मुझे गुस्सा करेंगे क्योंकि इनको ज्यादा पसंद नहीं है। अब मैं इसमें डालूंगी, दाल में घी डाली हूँ। वाह भाई क्या क्या बनाई हूँ, एकदम देसी स्टाइल में। तो इधर हो गया दाल, इधर हो गई सब्जी और इधर हो गया सैलेड। तो भाई क्या है, गर्मा गर्म रोटी, गर्मा गर्म रोटी। भाई पांडे जी को खिलाना पड़ता ही है। मुझे कटहल की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग भी आ जाइए फटाफट से, देखिए मेरी थाली कैसे सजी हुई है। दिखा आप लोगों को कि नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि ये देखो ये वाली सब्जी मैं बनाई हूँ। कटहल की सब्जी गरम मसाला वसाला बढ़िया आराम से पीस के एकदम लबादार। और गांव में कैसे पीसते हैं, सिल और बट्टे पे। मैंने मिक्सर से बनाया है, मिक्सर में पीस के बनाया है। और जो सिल वाली होती है मसाला, जो सिल में पीस के बनाते हैं, उसका तो स्वाद ही मत पूछिए आप लोग, क्या स्वाद रहता है। तो आप लोग भी आ जाइए फटाफट से, खाना खा लीजिए और टेस्ट करके बताइए कि हाँ ये सब्जी कैसी बनी है, दाल कैसा बना है, चावल कैसा बना है, रोटी कैसी बनी है और सैलेड कैसे बना है। तो आ जाइए जल्दी से फटाक से। देखिए हम एकदम पास से दिखाते हैं, ये हो गया। आप लोग कमेंट करना चुप। तो अभी ये पहले टेस्ट करो, सब्जी टेस्ट करो जी, सब्जी टेस्ट करो। अच्छा, कैसा है नमक उमक, कैसा है यम्मी? और दाल में नमक, भाई सारी चीज टेस्ट करके बताओ। नींबू थोड़ा तो डाल दो। दाल कैसी है? अच्छी है। ए पापा नींबू मत डालो उसमें। और ये खा रहे हैं और आप लोग भी आ जाइए। तो हम भी चल रहे हैं, पहले खाना खाते हैं फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं, क्योंकि घर जाने के लिए अभी पांडे से हम आपको बतलवाएंगे कि घर जाना कब है, कैसा है, यही बताएंगे। क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता है, क्या करूँ, तैयारी कर करके हो गई हूँ परेशान। कि मेरी किस्मत नहीं है कि कब मैं जाऊँगी कब नहीं जाऊँगी, क्योंकि किस्मत में अभी नहीं लिखा है। जिस दिन हो जाता है, कहते जिस दिन जाना होता है, जिस दिन यहाँ का दाना पानी बंद होगा उसी दिन मैं घर पहुँच जाऊँगी, क्योंकि अभी तक यहीं का लिखा है तो कहाँ पहुँच पाऊँगी। तो ये लोग पांडे बताएंगे कि कब जाना है, किस दिन जाना है, कहाँ है कहाँ नहीं है, सब ये बताएंगे। तो आप लोग फाइनली पांडे जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं? तो काम उम सारा हो गया है, आगे कुछ कहेंगे कुछ भी। घर कब जाओगे? घर कब जाओगे? संदेश आओगे? बताओ जल्दी, घर कब जाना है? ये देखो मेरा सामान वामान सब पैक है, किस दिन जाएगी? दिन में जाएंगे।
महीने की तैयारी महीने भर से हो रही है, घर जाने का कोई महीने भर से क्या, लोग चल चल भर से करते हैं तो महीने भर से करते हैं तुम्हारे चक्कर में बुढ़िया हो जाएगा पापा। ए, जवान है ये, जवान है, तुम भी जवान हो। कल हमारे चैनलों को कोई प्यार सपोर्ट नहीं देता जी, सब देते। आप देते हो प्यार सपोर्ट चैनल? तुम्हारा ब्लॉग रोज देखता हूँ पापा, हमें प्यार सपोर्ट दे दिया करो। अब मैं करता हूँ, देखो ये बता दो ना पाए खाना जैसा लगता ना आप लोग, खाना अच्छा था, नमक थोड़ा कम था उस टाइम, बोले एकदम चावल भी बहुत बढ़िया था, थोड़ा गीला हो गया था देख लो, खा गए पूरा, छोड़े नहीं एक भी, लेकिन बुराई बाद में कर रहे हैं, दो घंटे बाद कहीं बोलते हैं तो सोच रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि थलिए ना चली जाए हमारे आगे से यही सोच रहे थे ना कि ऐसे बोलोगे तो खाना डालेगी। थोड़ी कच्ची थी और दाल, आज हम खाना नहीं बनाएंगे, बता दे रहे हैं आप लोग सुन लीजिए, आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, शाम को यही बनाएंगे। अब मैं कच्चा खाना बनाती हूँ ना, या पक्का खिलाएंगे हमको। और उसमें दाल में जो है दाल अलग थी, पानी अलग था, इतनी घनघोर बेइज्जती करने में तुमको बहुत अच्छा लगता है। चावल में पानी भर दी, ये कैसे बनाते हैं, जिस दिन तबीयत खराब हो जाती है ना, कभी मसाला भर देंगे, कभी हरदिया भर देंगे, कभी जैसे लगता है खिचड़ी का आया झोंक दो इस बार में, आटा आटा लगा दे पूरे थाली की एकदम ऐसी कैसी कर देंगे। हम डरते नहीं है, हम बाबा की लीला कर रहे हैं। गुरु बचाओ, गुरु बचाओ, मम्मी मार रही है इनको, बहुत शर्म आती है, किस किस के हाथ आते हैं मेरा नाखून जब घुसेगा तब बोलेगा फड़ा। ए पांडे, किस दिन जाना है हमें, आप जल्दी क्लियर कीजिए कि हाँ जाएंगे, टिकट कब मिलेगा, किस दिन का, ये बता दो। टिकट मिल नहीं रहा है यार, साथ साथ पहुंचते क्यों नहीं हो? मिल जाएगा टिकट यार, चलना होगा, मिल जाएगा। बताओ यार, हम ना सुन, चुप रहो यार, तुम्हारे चक्कर में साला एक बार बोल देना, बोल देना, सच्चाई सामने आ गई, इनकी सच्चाई सुनो, इसके हम बता, जिंदगी में कभी लौटा नहीं जिंदगी, हम बताने चल रहे परसों क्या हुआ। हम लोग गए और ये 2 बजे मुझे फोन करके बताए कि सोनम अपना एक काम करो, बैग वैग सब पैक कर लो, उन्होंने बैग वैग पैक कर लिया, तो बोले खाना मत बने हो, खाना देख लेगी बाहर। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जल्दी चलना है हमने, लीजिएगा तो फिर ये इनका शक्ल भी देखते जाओ। फिर उसके बाद ये गए जल्दी से, आए फिर हम लोग आए घर, आए जो ऑफिस से जल्दी घर आए, 6:30 बजे थे और 7:50 की ट्रेन थी। उसके बाद ऑटो लेके आए, ऑटो में सब सामान वामान रखे, हम लोग बढ़िया आराम से बैठे, पहुंचे कहाँ पहुंचे ये भी बता। दिल्ली, हम तंगा दिल्ली, दिल्ली ते, दिल्ली ते, दिल्ली ते, कहाँ पहुँचे देवाली के पापा, जाना था पुरानी दिल्ली, जाना था पुरानी दिल्ली, ये पहुँच गए नई दिल्ली। और ट्रेन जब वहाँ ट्रेन के पास पहुँचे थे, अरे गोलू की मम्मी कहाँ हुआ, अरे यार बहुत बड़ी चूक हो गई, साला बंद करके रख दियो तो क्या होगा, हमने कहा दिमाग बंद कर दे यार, बंद हो जाओ।
पापा प्यार कर रहे हैं। ना पांडे ने बताई कुछ खास बात। बताओ कौन सी वाली है? कि जिंदगी में पहली बार ट्रेन छूटी और स्टेशन से वापस आए। हम लोगों को लौटते लौटते समझ लो 11 बजे रात में। तो यही सब हुआ, कोई बात नहीं। तो खाली कौन सा नहीं बनाया था, बहुत सारा व्यंजन आप लोगों को दिखाई दिया, बहुत सारे क्या बस सब्जी कहीं सब्जी बनाई थी, दाल बनाई थी, एक सिंपल सादा गांव के तरीके से बनाया था। आप कमेंट कर दीजिएगा कि दाल आम जो है दाल में आम डाल पता है, कमेंट करके जरूर बनता। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा ये बताना कि हम अगर अपने हस्बैंड के साथ वीडियो बनाते हैं, चुप, अगर हम अपने हस्बैंड के साथ वीडियो बनाते हैं आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना ये भी। तो मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए।